तो जैसा कि सभी को पता है बीज में इंडिया में वापस आ चुका है एंड मेरे को पता है यार कि आप सभी को यूट्यूब पे बीज में की लाइव स्ट्रीमिंग करना है बड़े बड़े गेमर्स की तरह। तो इस वाली वीडियो में यार आप सभी को बताऊंगा कि आप एकदम स्मूथ गेम प्ले के साथ एक स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हो जिसमें आपकी आपके टीममेट्स की एंड आपकी गेम की ऑडियो आपके स्ट्रीम में आने वाली है एंड ये सारी ऑडियो आप भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका स्मार्टफोन जिसमें आप गेम प्ले करोगे एंड सेकेंड आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी होना चाहिए क्योंकि यार इस केस में ना अपने स्मार्टफोन के ऊपर मैं कोई भी लोड नहीं देने वाला हूं जिसकी वजह से मेरा जो गेम प्ले वो काफी ज्यादा स्मूथ हो। तो आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप होना चाहिए एंड अगर आप वॉइस ओवर करते हो तो आपको एक माइक की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन तो बेसिक चीजें हो गई एकदम कंपलसरी आपके पास होना ही होना चाहिए एंड इन तीनों के अलावा हमको और भी कुछ चीजें चाहिए क्योंकि हमको अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप या पीसी पे मिरर करवाना है एंड वहां से हमने लाइव स्ट्रीम करना है। एंड इस केस में भी मैं नहीं चाहता कि मेरे स्मार्टफोन के ऊपर कोई भी लोड पड़े क्योंकि मेरे को अपने गेम प्ले को काफी ज्यादा स्मूथ रखना है। तो इसके लिए गाइस अपने स्क्रीन को मिरर करवाने के लिए अपने स्मार्टफोन के ऊपर कोई भी लोड ना पड़े जिसके लिए हमको चाहिए कुछ इस टाइप का डिवाइस जो कि एक वीडियो कैप्चर कार्ड है एंड ये हेल्प करेगा हमारी स्क्रीन को अपने लैपटॉप पे मिरर करवाने में एंड हमारे स्मार्टफोन के ऊपर इससे कोई भी लोड नहीं पड़ेगा जिसके अंदर आपको HDMI पोर्ट मिल जाएगा एंड दूसरी साइड आपको USB 3.0 केबल मिल जाता है जिसको आपको अपने लैपटॉप या पीसी के 3.0 या फिर 3.0 से अबव वाले पोर्ट में प्लग कर देना है। वैसे तो मार्केट में आपको काफी सारे कैप्चर कार्ड मिलेंगे 600 500 400 मतलब हर प्राइस रेंज में मिल जाएगा बट ध्यान रखना कि आपको 3.0 ही परचेस करना है उसके नीचे मत लेना यार वो आपका पैसा वेस्ट होगा आपका काम नहीं आने वाला। तो जो मेरे पास है वो है पी बॉक्स का काफी अच्छा खासा कैप्चर कार्ड है फुल मेटल बॉडी मिल जाता है एंड ब्रेडेड केबल मिल जाता है तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और ये मेरे को अराउंड 900 के आसपास का पड़ा था। और एक और आता है ऑक्सला का वो भी काफी अच्छा खासा कैप्चर कार्ड है एंड दोनों की प्राइस में यार 50-100 रुपए का डिफरेंस आता है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको HDMI to HDMI केबल चाहिए जिसका एक साइड आपको अपने कैप्चर कार्ड के अंदर लगा देना है एंड सेकंड साइड आपको अपने स्मार्टफोन में लगाना है बट अपने स्मार्टफोन में हमको कोई भी HDMI पोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसके लिए हमको चाहिए Type-C to HDMI कन्वर्टर जिसके लिए मैंने परचेज किया Type-C to HDMI हब जिसके एक साइड आपको Type-C का केबल मिल जाता है जो कि आपको अपने स्मार्टफोन में लगा देना है एंड सेकंड साइड आपको HDMI का पोर्ट मिल जाता है जिसमें आपको HDMI केबल का सेकंड साइड यहाँ पे लगा देना है एंड इसके अंदर आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है और Type-C का भी पोर्ट मिल जाता है लाइव में अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए एंड ये 85 वॉट तक की सप्लाई को सपोर्ट करता है मतलब फास्ट चार्जिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एंड ये वाला जो सेटअप है हर एक स्मार्टफोन के साथ वर्क नहीं करता उन्हीं के साथ वर्क करेगा जो HDMI को सपोर्ट करते हैं जैसे कि सैमसंग की S सीरीज हो गई OnePlus हो गया आईफोन हो गया जितनी फ्लैगशिप लेवल वाले स्मार्टफोन है ना मैक्सिमम में HDMI सपोर्ट करता है और किन किन स्मार्टफोन में HDMI सपोर्ट करता है किन में नहीं करता है तो लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन बिल्कुल टॉप पे दे दूंगा तो वहां से जाकर आप अपने स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो कि आपका स्मार्टफोन HDMI को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। तो यहाँ पर जो अपना सिस्टम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है अपना जो स्मार्टफोन है वीडियो प्लस ऑडियो दोनों ही लैपटॉप में भेज रहा है बट अपने स्मार्टफोन से गाइस हम ऑडियो आउटपुट नहीं ले सकते। इसके अंदर हम एक ही चीज कर सकते हैं या फिर अपने लिए ऑडियो आउटपुट ले लें या फिर हम स्ट्रीम में दें बट हमको दोनों ही चाहिए जिसके लिए आपको ये वाला एक साउंड कार्ड परचेज करना पड़ेगा बट इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि मेरे को एक ऐसी ट्रिक पता है जिसमें आपकी स्ट्रीम में भी आपकी गेम की ऑडियो जाएगी एंड आपको भी अपने गेम की ऑडियो मिलेगी एंड मेरे हिसाब से यार ये वाली जो ट्रिक है पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो भाई वीडियो पूरा एंड तक देखना क्योंकि जब भी मैं तामझाम की सेटिंग करूंगा अपने लैपटॉप पे स्ट्रीम की सेटिंग आपको बताऊंगा तो उसी के अंदर एक सेटिंग होगी जिससे आप ऑडियो आउटपुट ले सकते हो अपने लिए भी एंड आपके स्ट्रीम में भी ऑडियो जाएगा बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है आप अपने टीममेट से बात नहीं कर सकते क्योंकि यार आप माइक का यूज नहीं कर सकते एंड अगर आपको अपने टीममेट से बात करना है माइक का यूज करना है तो आपको ये वाला साउंड कार्ड परचेस करना पड़ेगा एंड इसके अंदर आपको एक साइड USB केबल मिल जाता है जो कि आपको अपने हब के अंदर लगा देना है एंड दूसरी साइड आपको सेपरेट ऑडियो आउटपुट का गड्ढा मिल जाता है सेपरेट माइक का गड्ढा मिल जाता है एंड सेपरेट ऑडियो प्लस माइक का गड्ढा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सेपरेट ऑडियो प्लस माइक वाला है यहाँ पे आपको अपना ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा लेना जिससे आप आउटपुट लोगे। नेक्स्ट जो आपको सेपरेट ऑडियो आउटपुट वाला गड्ढा है उसमें आपको कुछ इस टाइप का एक ऑक्स केबल मिलेगा जिसके ऊपर दो लाइन होगी उसको यहाँ पे लगा देना है एंड सेकंड साइड को अपने लैपटॉप या पीसी के माइक वाले पोर्ट में लगा देना है। एंड अभी के टाइम पे जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर आपको माइक प्लस ऑडियो दोनों के 3.5 mm आपको सेपरेट देखने को मिल जाते हैं बट जिन लैपटॉप में आपको सेपरेट 3.5 mm नहीं मिलता है एक ही 3.5 mm मिलता है तो उसके लिए आपको एक स्प्लिटर परचेज करना पड़ेगा जो कि आपके माइक एंड ऑडियो आउटपुट को स्प्लिट कर देगा एंड ये आपको ऑफलाइन में आराम से 50-100 रुपए का मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पे। तो ओके गाइस अभी मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पे एंड लाइव करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा OBS या फिर आप स्टीम लैब को भी डाउनलोड कर सकते हो तो दोनों ही आपको क्रोम पर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे तो आपको जो भी डाउनलोड करना है आप वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं OBS का यूज करता हूं तो मैं सिंपल सा OBS को ओपन कर लेता हूं एंड अभी यहां पे देख सकते हो आपको मल्टी स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा बट आपके केस में पूरा ब्लैंक होने वाला है और इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं भाई उसके लिए ना आप अलग वीडियो देख लेना वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहां पे आपको ना सिंपल सा जो सीन दिख रहा है
तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कैटेगरी बना रखे हैं, तो ये एक टाइप से कैटेगरी है या फिर आप फोल्डर कह सकते हो, बस इसको आप नेम दे सकते हो एंड यहाँ पे आप अपने सोर्स को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको सीन ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस पे प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका सीन का नेम आ जाएगा, आप कुछ भी नेम दे दो। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ एंड यहाँ पे है सोर्स, तो यहाँ पे क्या करना है आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड वीडियो कैप्चर डिवाइस पे चल जाना है। इसको क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं फिलहाल के लिए यही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा लोड होगा क्योंकि मेरा पीसी थोड़ा स्लो है, तो इसमें इसको टाइम लग रहा है। आपका अगर पीसी फास्ट होगा तो आपके पीसी में जल्दी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो BGMI का स्क्रीन है यहाँ पे मिरर हो चुका है और इसके अंदर आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ एकदम रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सा ओके कर देता हूँ एंड अगर मैं स्क्रीन को कहीं पे भी टर्न ऑन करता हूँ तो ये एकदम सिंपली स्मूथली मूव करता है। तो हमारा 50% काम कंप्लीट हो चुका है एंड अब हमें गेम की ऑडियो को अपनी स्ट्रीम के अंदर भेजना है। तो उसके लिए अगेन हम प्लस पे जाएंगे, ऑडियो इनपुट कैप्चर एंड यहाँ पे आप कोई भी नेम सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ओके एंड यहाँ पे आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इसके अंदर आपको अपने लैपटॉप के पोर्ट के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मेरे केस में सेकंड वाला है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना 100% काम कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं आपको वाली सेटिंग बता देता हूँ जिसमें आपको साउंड कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऑडियो मिक्सर में वीडियो कैप्चर डिवाइस करके ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली से क्या कर देना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज में चल जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वीडियो कैप्चर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपके ऑडियो मिक्सर में है एंड सिंपली से यहाँ पे मॉनिटर ऑफ होगा, तो यहाँ पे आपको मॉनिटर ओनली कर देना है। एंड इसमें क्या होगा गाइस, अगर आप हेडफोन या फिर ईयरफोन को यूज कर रहे हो तो गेम की साउंड आपके लैपटॉप में जाएगा एंड उसी टाइम पे गाइस आपको अपने हेडफोन या फिर ईयरफोन के अंदर सुनाई देगा। इसके अंदर कोई भी डिले उले नहीं होने वाला, बट इस केस में गाइस आप अपने टीममेट से बात नहीं कर सकते हो। तो अब गाइस यहाँ पे एक टीडीएम मैच को प्ले करते हैं एंड आपको एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि इस सेटअप में आपका कोई भी डिले लैग या फिर कुछ भी नहीं होने वाला, आपको एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाला है। Killing spree for the red team. No mercy. Nice shot. Team. Enemy down. Red team victory. Good job. तो यहाँ पे मैंने BGMI का एक कंप्लीट टीडीएम मैच खेला एंड मेरे को काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिला। मेरे स्मार्टफोन पे कोई भी लोड नहीं पड़ रहा था जिसकी वजह से यार मेरा गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ रहा एंड जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो भी काफी ज्यादा स्मूथ रिकॉर्ड हुआ, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई लैग नहीं, एकदम स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड हुआ। तो भाई स्टार्टिंग में अगर आपको लाइव करना ना तो आपके लिए एकदम बेस्ट सेटअप होने वाला है एंड जैसे अगर आप फेमस होते हो तो आप अपने जो सेटअप को इंक्रीज कर सकते हो एंड अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इस सेटअप में लगा पाओ तो और भी काफी सारे सेटअप आते हैं। लाइक आप फ्री में भी इस सेटअप को यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पीसी या फिर लैपटॉप होना चाहिए या फिर आप मोबाइल से भी स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो इन सभी की यार सेटअप थोड़े से डिफरेंट है, तो अगर आपको चाहिए होंगे तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। तो एंड करते हैं इस वाली वीडियो को एंड वीडियो के अंदर यार मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आप सभी को बताया ना उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगे, तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं ना भाई, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट जाकर चेकआउट कर लो, आपको इजिली नहीं मिलने वाला है। तो लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना और परचेस करना हो तो परचेस कर लेना, आपकी मर्जी है। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।